लोकसभा चुनाव के दोनों ही चरणों की वोटिंग संपन्न हो गई है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग फीसदी कम रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रदेश में 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो खुद को वोट नहीं डाल पाए। इनमें कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 4 उम्मीदवार शामिल हैं। दरअसल इन उम्मीदवारों को जिन सीटों से टिकट दिए गए हैं वहां वोटर लिस्ट में उनके नाम ही नहीं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवार अपना नाम उस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जुड़वा लेते हैं जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अपना नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा सकते। इसके चलते दूर की सीटों पर टिकट देने से उम्मीदवार खुद को वोट नहीं दे पाए। इनमें पूर्व विधानसभा स्पीकर और भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और जालौर से उम्मीदवार वैभव गहलोत, राजसमंद से बीजेपी के उम्मीदवार महिमा सिंह, टोंक सवाईमाधोपुर से बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार दामोदर गुज्जर, तो पाली से कांग्रेस उम्मीदवार संगीता बेनीवाल, तो वहीं श्रीगंगानगर से कांग्रेस बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका बालन है। राजस्थान की राजनीति में एक वोट की कीमत तो सभी जानते हैं, क्योंकि सीपी जोशी एक वोट की कीमत जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सीएम के दावेदार थे तो एक वोट से हार गए थे और अपनी सीएम की कुर्सी को गंवाना पड़ा। खैर उस समय उनकी राजनीति में उनका बहुत बड़ा नाम चर्चित रहा और उन्हीं के परिवार से उनका एक वोट नहीं डल पाया। मैं आपके साथ दीपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मेरे कैमरे के पीछे संजय शर्मा।